हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश। आप देख रहे हैं फोर्स यानी कि एजुकेशन फोर सिविल। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो आज का जो वीडियो है सैंड टेस्ट और फाइन एग्रीगेट टेस्ट। दोस्तों सैंड टेस्ट के ऊपर मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसकी मैं फील्ड में आपको पूरे टेस्ट करके दिखाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखो तो कृपया कर लिंक मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। और चलिए शुरू करते हैं आज। फिर भी मैं उससे कुछ ज्यादा अच्छी बातें करूंगा, उस टेस्ट तो मैं करके आपको पूरे फील्ड में दिखाया हूं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। लेकिन आज मैं उससे कुछ ज्यादा अच्छी बातें करूंगा। पिछली वीडियो मैंने आपको मोर्टार के बारे में बात किया था कि हम लोग कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या यूज करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो मैं बात कर लिया। अभी क्या है कि हम लोग सैंड जब मोर्टार में यूज करेंगे अपने घर में कंक्रीट करने के सबसे पहले, तो सीमेंट की हमें परख होनी चाहिए, टेस्ट करने पता होना चाहिए कि टेस्ट कैसा है। ये सब इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। हाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो सारे जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये बस इंटरव्यू के लिए ही है। आप एग्जाम में इससे मुश्किल है थोड़े, लेकिन फिर भी आपको बेसिक नॉलेज हमारे इस वीडियो से जरूर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, दूसरा जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसकी जो सैंड की जो पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए फॉर गुड, इट शुड बी फाइन, एरीगेट्स शुड बी केमिकली इनर्ट। नंबर टू, फाइन एग्रीगेट्स मस्ट बी वेल ग्रेडेड। नंबर थ्री, फाइन एग्रीगेट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल और वेजिटेटिव मटेरियल्स। नंबर फोर, फाइन एग्रीगेट मस्ट बी फ्री फ्रॉम सैंड और अल्कली मटेरियल विच आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फॉलो करने चाहिए हमारे कोई भी फाइन एग्रीगेट्स की के लिए। इट शुड बी केमिकली इनर्ट, इट शुड बी वेल ग्रेडेड, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल वेजिटेटिव मटेरियल्स, इट शुड बी फ्री फ्रॉम सैंड और अल्कली मटेरियल एंड विच आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम एटमोस्फेयर। दोस्तों तो सैंड के बारे में मैं आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट है गुड क्वालिटीज ऑफ मोर्टार। मतलब आप जब भी आप सैंड चेक कर लिए, सैंड अच्छी है, सीमेंट अच्छी है, मैं टेस्ट सारे कर लिया, अब क्या है कि मोर्टार मैं बनाऊंगा। एक तो मैं डिफिनेशन आपको बता दूं, फिर भी आप मोर्टार में क्या क्या चीजें आप देखना पसंद करोगे अब वो मैं आपको बता दूं। गुड क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज ऑफ मोर्टार। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि मोर्टार जो भी है मेरी, जब भी हम लोग मोर्टार बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि बिल्डिंग में अपने लगा दिए थ्रू आउट द होल बिल्डिंग। अभी क्या कि उसे एक प्रॉपर्टीज गेन करना होता है कि ताकि वो डेवलप कर ले अपने आप को, एक प्रॉपर्टी से डेवलप करे जो कि उसे बोलते हैं डेसी प्रॉपर्टी।
आपने दो पढ़ा हुआ, एक कोहेसिव और एक एडहेसिव सॉइल, या फिर बहुत सारे जगह पढ़े होंगे एडहेसिव और कोहेसिव। कोहेसिव मतलब कि जो भी हमने ब्रिक दिए डिफरेंट मटेरियल हो गए, मोर्टार एक डिफरेंट था, ब्रिक एक डिफरेंट है, उसमें वो क्या करे कि दोनों की बाइंडिंग प्रॉपर्टी को अच्छे से पूरी डेवलप कर ले, तो उसको हम बोलेंगे इट शुड बी केपेबल ऑफ डेवलपिंग गुड एडहेसिव प्रॉपर्टी विथ अदर बिल्डिंग कंपोनेंट। तो ये क्या है कि इट शुड बी केपेबल ऑफ डेवलपिंग गुड एडहेसिव प्रॉपर्टी विथ अदर बिल्डिंग कंपोनेंट। बिल्डिंग के ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं, ब्रिक हो गया, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, वो सारे के साथ ये एक अच्छी एडहेसिव प्रॉपर्टी डेवलप कर ले, जिससे कारण क्या हो कि वो पूरी अच्छे से पकड़ रखे बिल्डिंग के साथ। तो ये हमारी पहली क्वालिटीज होता है मोर्टार का। नेक्स्ट नंबर टू, इट शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग डिजाइन स्ट्रेस। ये क्या होता है दोस्तों कि इट शुड बी कैपेबल ऑफ डिजाइन स्ट्रेस, इट शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग डिजाइन स्ट्रेस। नंबर थ्री, इट शुड बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू इट। उसमें थर्ड नंबर क्या है कि जब हम लोग मोर्टार को लगाते हैं अपने बिल्डिंग में, तो जो भी बारिश के पानी होते हैं या फिर कोई भी पानी, तो उसे वो रेजिस्ट कर सके, अंदर आने ना दे, उस तरीके का हमें मोर्टार यूज करना होता है। हम लोग वैसे चाहते हैं सीपेज ना होने दे, इसका मतलब यही हुआ। नंबर फोर, इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल। ये बहुत लंबे समय तक चले, हमारा तो मोटो ये रहेगा कि बहुत लंबे समय तक चले। नंबर फाइव, वर्केबल होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए, चीफर होना चाहिए। नंबर फाइव में कहा कि फाइव, इट शुड बी वर्केबल एंड इकोनॉमिकल। ये वर्केबल भी होने चाहिए और थोड़े सस्ते भी होने चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मैं क्वालिटीज ऑफ गुड क्वालिटीज ऑफ मोटर के बारे में बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट मैं वीडियो में इसके आऊंगा तो इसकी फंक्शन के बारे में बात करूंगा कि क्या क्या हमें मोटर हमें देता है, हम लोग मोटर क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।